नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। कैंसर के इलाज के दौरान पेशेंट सबसे ज्यादा अपने डॉक्टर से या फिर जब उसका इलाज चल रहा होता है तो वहां पर मौजूद स्टाफ से एक क्वेश्चन करता है कि मेरा इतना रेडिएशन हो गया है, मेरी इतनी सिकाइयां हो गई हैं, क्या मेरी बीमारी ठीक हो रही है। क्या इसका जवाब देना उस समय सही होता है या गलत होता है? पेशेंट के मन में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, क्या मेरी बीमारी कम हुई है कि पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। जब आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर भी आपको वहां पर कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं देते, वो कहते हैं थोड़ा वेट करिए, इलाज पूरा हो जाने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और इस वजह से ऐसे बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता है जिनको वाकई में सब वीडियो की इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये था जो पेशेंट पूछता है अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से जब कैंसर का इलाज चलता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कैंसर विभाग में जाते हैं तो आप बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जाकर के आपका इलाज शुरू होता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आप फेस करते हैं। और दोस्तों, कैंसर का जो इलाज होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इलाज होता है, ये कभी भी आसान नहीं हुआ। आप पूरी हिम्मत से, पूरी शिद्दत से अपने कैंसर के इलाज को धीरे धीरे पूरा करते हैं और आप अपने मन के अंदर यही सोचते रहते हैं, क्या मेरा इलाज सही हो रहा है? बाहर जो बंदा बैठा है, क्या उसने मेरे इलाज को अच्छे से प्लान करा है? एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है? क्या मेरे डॉक्टर ने मुझे सही इलाज मुहैया कराया है? आपके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस चलते रहते हैं। ये लाजमी है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर कोई ऐसा सोचता है और ये स्वाभाविक है। दोस्तों, आपको अपने डॉक्टर के ऊपर, उसकी टीम के ऊपर भरोसा रखना होगा, ताकि जो आपका इलाज चल रहा है उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे दिखने लगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन के अंदर ये आता है कि क्या जो मेरा इलाज चल रहा है इतने दिनों से, आज 4 रेडिएशन हो गए हैं, फ्रैक्शन हो गए हैं, 5 हो गया है, हफ्ता भर हो गया है, 10 दिन हो गया है, क्या मेरी बीमारी कम होना शुरू हुई है? आप जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, वहां पर रेडिएशन आपको दिया जाता है, कैंसर के सेल्स को खत्म किया जाता है, आपका इलाज पूरा हो जाता है। बाहर आकर के जो आपका स्टाफ है, जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो वहां पर टेक्नोलॉजिस्ट है, आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मेरी बीमारी पहले से कुछ कम हुई? तो वहां पर वो भी स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाते हैं। उसके पीछे एक रीजन है, कोई चीज आपसे छुपाई नहीं जाती, मगर हर चीज के पीछे एक कारण होता है, क्यों नहीं बताया जाता। फिर आप फॉलोअप में अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, 10 दिन हो गए हैं इलाज को, रेडिएशन को, कीमो भी चल रही है, साथ में इम्यूनो भी चल रही है, क्या मेरी बीमारी कम हुई है? आपका डॉक्टर भी स्पेसिफिक आंसर नहीं देता, वो कहते हैं कि थोड़ा वेट करिए, रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। इस तरीके से आपको आंसर दिए जाते हैं, मगर स्पेसिफिक आंसर जो आप पूछ रहे हैं, क्या बीमारी कम हुई है या बड़ी है, क्या ठीक भी हो रहा हूं मैं, इसका आंसर आपको नहीं मिल पाता। मगर आज दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर देना चाहता हूं, जो आपके मन के अंदर जो आपको परेशान करता है कि मेरी बीमारी ठीक हुई है कि नहीं हुई है। दोस्तों, आप लग करके, मेहनत करके अपने इलाज को पूरा करें, रिजल्ट्स आपको दोस्तों इलाज खत्म होने के बाद ही दिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे गले का कैंसर है और गले में कोई मोटा सा नोड निकला हुआ है, कोई गांठ है मोटी सी, अब उस हिस्से को फोकस करके रेडिएशन डिलीवर किया जा रहा है, उस हिस्से को प्लान कर रखा है, तो जब वो गांठ धीरे धीरे कम होती है तो वो आपको दिखाई देती है, आप महसूस कर सकते हैं। मगर दोस्तों, शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आप उनको महसूस नहीं कर सकते, आप उनको ऊपर से देख नहीं सकते। लीवर में कोई कैंसर है, ईसोफेगस में, खाने की नली में कोई कैंसर है, या गले के अंदर लैरिंग्स में कोई कैंसर है, वहां पर कैंसर की गांठ है, आप कैसे महसूस कर पाएंगे? उसके लिए तो आपको स्कैनिंग प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, आपको पेट सीटी, पेट स्कैन कराना होगा, MRI कराना होगा। रेडिएशन के दौरान ये सब चीजें कराई जा सकती हैं, मगर इन सब चीजों को अवॉइड किया जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है,
वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप जब ऊपर कोई गांठ है पेट में या सीने में ब्रेस्ट में कोई गांठ है कैंसर की, वो मोटी है ऊपर से फील होती दिखाई देती, जब उस पर रेडिएशन दिया जाता है तो धीरे धीरे हफ्ते भर में 10 दिन में खत्म हो जाती है और एकदम गायब सी हो जाती है, फिर आपको वो महसूस भी नहीं होती। मगर गांठ जितनी ऊपर दिखती है उतनी अंदर भी होती है, अंदर से कितनी गायब हो गई ये ना डॉक्टर को पता है ना आपको पता है। उसके लिए स्कैनिंग प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, मगर रेडिएशन थेरेपी के दौरान स्कैनिंग प्रोसीजर्स को अवॉइड किया जाता है। वो इसलिए अवॉइड किया जाता है कि जब आप पर्टिकुलर एरिया का स्कैन करेंगे जहां पर भी बीमारी, सपोज गले के कैंसर में गले का स्कैन कर रहे हैं, पेट सीटी कर रहे हैं, एमआरआई कर रहे हैं, या छाती में कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, लंग्स का है, ब्रेस्ट का है, तो हम थॉरेक्स के रीजन को स्कैन करते हैं। तो उसके बाद जब हम रेडिएशन थेरेपी के दौरान जब स्कैनिंग प्रोसीजर को अपनाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जब रेडिएशन जाता है तो बॉडी के जो और पार्ट्स हैं, जो और ऑर्गन्स हैं, उनमें भी इंफ्लामेशन आने लगता है, जिसकी वजह से हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सी कैंसेरियस गांठ है और कौन सी नॉन कैंसेरियस है, यानी कि किसमें कैंसर है या किसमें कैंसर नहीं है। ऐसा लगता है कि बाकी और गांठें भी कैंसर जैसी दिखने लगी है, ये सिर्फ रेडिएशन के साइड इफेक्ट से ऐसा नजर आता है स्कैन के अंदर। तो इसीलिए आपका डॉक्टर अवॉइड करता है कि ऐसा कोई स्कैन ना किया जाए जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो। अब ये स्कैनिंग होती कब है? आपका जब एक बार इलाज पूरा हो जाता है तो आइडियली जो प्रोटोकॉल है इलाज के 2 महीने के बाद, जी हाँ दोस्तों, इलाज के 2 महीने के बाद आपको स्कैन किया जाएगा, चाहे वो एमआरआई हो या सीटी स्कैन हो या पेट स्कैन हो। उसके बिहाफ पे जो भी फाइंडिंग्स आती हैं, जो भी केस स्टडी आती है, तब आपका डॉक्टर बोलता है कि अब आप कंप्लीटली क्योर हैं, आपके अंदर कैंसर जैसे कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे। क्योंकि दोस्तों डे वन से आपका डॉक्टर आपको जानता है, उसने आपकी बीमारी को शुरुआत से पकड़ा हुआ है और वो जानता है किस हिस्से में बीमारी है। आज उस हिस्से में बीमारी नहीं दिख रही है, बल्कि उसके आसपास के हिस्सों में भी, शरीर में कहीं भी बीमारी कैंसर जैसी नहीं दिख रही है। तो इसलिए आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि अब आप कंप्लीटली क्योर हैं, आप अपने रूटीन लाइफ को और हेल्दी लाइफ को अच्छे से लीड करें और एक अच्छे हेल्दी वे में करें और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि बीमारी दोबारा वापस आ जाए। तो हेल्दी रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना खाएं, हाइजीनिक खाना खाएं। तो ये सारी एडवाइस आपको दे दी जाती है। कई बार 1 महीने 1.5 महीने में भी डॉक्टर स्कैन करा लेते हैं, वो भी ठीक है। मगर ट्रीटमेंट के दौरान जब आप स्कैन कराएंगे सिर्फ ये पता करने के लिए कि मेरा कैंसर कितना ठीक हो चुका है, अभी 10 फ्रैक्शन हुए हैं, 10 सिकाइयां दी जा चुकी हैं, तो उसमें क्लियर पिक्चर नहीं आती है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारा इन्फ्लामेशन होता है, ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको डिफ्रेंशिएट करके आसानी से नहीं बता सकता है कि कैंसर ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से और स्ट्रक्चर्स भी कैंसर की गांठों की तरह दिखने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, थोड़ी तसल्ली हुई होगी आपको। तो आप जब भी अब मैं डॉक्टर से क्वेश्चन करें तो जैसा वो आंसर देता है आप उसको पॉजिटिवली लें, ये मत सोचें कि कोई आपको सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है या हमें क्लियर पिक्चर नहीं बताई जा रही। उसके पीछे एक महज यही कारण होता है जिसकी वजह से आपका डॉक्टर आपको क्लियर नहीं बताता है या बता नहीं पाता है, क्योंकि हमारी अपनी भी लिमिटेशंस होती हैं। तो ये आपको इलाज खत्म होने के बाद ही क्लियर पता चलता है कि आपकी बीमारी कितनी ज्यादा ठीक हुई है या नहीं हुई है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी बीमारी को पॉजिटिवली ले, उसका इलाज अच्छे से कराएं, तो यकीन जानिए आपको रिजल्ट भी उसके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे और आप कैंसर से क्योर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि हम और आप एक दूसरे की ऐसे ही मदद कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।